नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नगर निगम में गुरुवार को पूर्व निर्धारित अस्थायी समिति की बैठक अंतिम समय में कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। दरअसल साफ सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कराने जाने के साथ शहर के दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड की साफ सफाई एजेंसी या निगम की अस्थायी कर्मचारी से कराए जाने को लेकर निर्णय लिया जाना था, जिसका एजेंडा पहले ही तय किया जा चुका था। वहीं गुरुवार को नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा स्थायी समिति के सदस्य पार्षद संजय सिन्हा, प्रीति शेखर समेत कई पार्षद बैठक के लिए पहुंचे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उपमहापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन निगम में मौजूद रहने के बावजूद बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। इसके बाद महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने फोन कर उनसे बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखने की बात कही, लेकिन नगर आयुक्त से नाराजगी जताते हुए डिप्टी मेयर ने बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। वह इसके बाद कई पार्षद और महापौर के काफी मान मनोबल के बाद भी जब डिप्टी मेयर बैठक में आने को तैयार नहीं हुए तो मेयर ने खुद ही अपने चैम्बर में उन्हें बुलाकर बात की। इधर नगर आयुक्त काफी देर तक सभागार में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का अकेले इंतजार करते रहे, जबकि इस दौरान सभागार के बाहर मीडिया कर्मियों को भी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नगर आयुक्त और उप महापौर के बीच के इस विवाद के कारण अंततः बैठक स्थगित कर दी गई। वहीं बैठक स्थगित करने और डिप्टी मेयर की नाराजगी को लेकर जब नगर आयुक्त से सवाल किया गया तो वो कुछ भी जवाब देने से बचते रहे। इधर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि स्थायी समिति के सभी सदस्य और निगम के कर्मचारी के मौजूद होने के बावजूद विशेष परिस्थितियों के कारण तत्काल बैठक को स्थगित कर दिया गया और ये बैठक अगले 48 घंटों के बाद तय किए जाने वाले समय पर होगी। इधर बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर जब डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर आयुक्त को केवल मेयर से बात करनी है तो ऐसी बैठक में उनका क्या काम है। उन्होंने कहा कि जनता ने चुनकर काम के लिए उन लोगों को सदन में भेजा है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और केवल बैठक में निर्णय ही लिया जाता है। साथ ही उन्होंने पदाधिकारी द्वारा उचित सम्मान नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बहरहाल निगम प्रशासक और जनप्रतिनिधि के बीच के विवाद में एक बार फिर से विकास कार्य और साफ सफाई कार्य से जुड़ी अस्थायी समिति की बैठक नहीं हो सकी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी हम लोगों की और हम लोग सब लोग उपस्थित भी हो गए थे, लेकिन ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां आई जिसके कारण इस बैठक को स्थगित किया जाएगा और जो भी परिस्थिति बन पाया है उसके लिए आपको डिप्टी मेयर साहब बताएंगे। कई बार आपने फोन भी किया था वहीं बैठक से ही, लेकिन नहीं आई, फिर आप भी आ गई। काफी समय तक नगर आयुक्त में बैठे रहे, कारण क्या लग रहा है मैडम? इसमें मेन कारण लग रहा है कि हमारे डिप्टी मेयर साहब जो है उनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उनकी नाराजगी है। अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उन्होंने वहाँ जाने से इनकार किया। नाराजगी क्या होगा, हम लोगों को जनता ने भेजा यहाँ और जनता के अनुरूप हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे और यहाँ पर लगता है कि हम लोग जो भेजे गए हैं हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ बैठक होती है, बैठक में निर्णय लिया जाता है, लेकिन धरातल पर जमीन पर कुछ उतरता हुआ नजर नहीं आता। आज क्या हुआ था जब चैम्बर में आप लोग बैठे हुए थे, नगर आयुक्त के द्वारा जो आपको निकल जाने के लिए कहा गया? निकल जाने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि आप लोग जाइए, मैं मैडम से बात करूंगा। मेरा बस यही कहना था, जब मैडम ही से बात करना तो मेरी क्या, हम लोग की आप बैठक में क्या आवश्यकता, मैडम ही कर ले, यही बात थी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर गुरुवार को भागलपुर के शहीद भगत सिंह चौक स्थित शहीद स्मारक पर कई सामाजिक और छात्र संगठन की ओर से माल्यार्पण कर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीस सेंटर परिधि की ओर से 3 दिवसीय सद्भावना अभियान की शुरुआत कर सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने की बात कही। वहीं परिधि के राहुल ने कहा कि आज के ही दिन अंग्रेजों ने क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष उन वीरों के सम्मान में बलिदान दिवस मनाया जाता है।
आज से पीस सेंटर परिधि 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक सद्भावना पर युवाओं के बीच यूथ के बीच कार्यक्रम चला रही है। तो आज के दिन आपको भगत सिंह, सुखदेव महाराज को फांसी दी गई है और फिर 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी शहादत दी थी देश में शांति सद्भावना कायम करने के दौरान। तो हम लोग इसको सद्भावना के तौर पर देखते हैं क्योंकि देश की जरूरत आज बहुत है कि हम आपसी भाईचारा और प्रेम मोहब्बत को लेकर आगे बढ़े। देश में खास तरह का माहौल बन रहा है जिसमें हम जिस देश की कल्पना भगत सिंह ने की थी उस देश से पीछे हटते जा रहे हैं। इधर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन भागलपुर इकाई की ओर से गुरुवार को शहीद भगत सिंह के स्मारक पर माल्यार्पण सह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ऐसा नेता प्रवीण कुशवाहा के नेतृत्व में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए उनके सम्मान में नारा भी लगाया गया। प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि वो सभी भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे और नौजवान, किसान और मजदूर के हित में आवाज उठाकर केंद्र सरकार को एक संदेश देंगे। आज हम लोग भगत सिंह के शहादत दिवस पे भगत सिंह का माल्यार्पण किए, उसके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्प लिए और जो देश में फांसीवादी सरकार है, जो नफरत उन्मादी नौजवानों के साथ छल कर रही है, आज आजादी से 75 वर्ष हो गया लेकिन आज तक देश में युवाओं को जो स्थिति बनी हुई है वही है जो भगत सिंह जैसे सपना देखे थे, उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग भगत सिंह के रास्ते को अपनाते हुए हम लोग इसलिए भगत सिंह के माल्यार्पण करने के लिए आए हैं, भगत सिंह के सपनों को आगे बढ़ाएंगे। बिहार दिवस को लेकर भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में आयोजित समारोह के दौरान गुरुवार को कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान किलकारी समेत कई संस्थाओं से जुड़े कलाकारों और बच्चों ने बांसुरी वादन, भारत नाट्यम और बिहार गीत की प्रस्तुति दी, जबकि इसके अलावा कलाकारों ने सूफी और भक्ति गीत भी प्रस्तुत किया। वहीं इसके अलावा बिहार दिवस को लेकर आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा सजाए गए स्टॉल पर लोगों ने भ्रमण किया। वासंती नवरात्र के दूसरे दिन गुरुवार को माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से की गई। इसको लेकर भागलपुर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और चैती दुर्गा पूजा पंडाल में स्थापित कलश के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। शहर के मुंदीचक स्थित वैष्णो दरबार और सिकंदरपुर दिनेश्वर धाम स्थित दुर्गा मंदिर समेत कई जगहों पर चैत्र नवरात्र को लेकर देवी दुर्गा की उपासना और पूजा की जा रही है। इसको लेकर मंदिर और पूजन स्थल के आसपास दुर्गा सप्तशती और वैदिक मंत्र के साथ भजन और आरती से माहौल भक्तिमय हो गया। बता दें कि वासंती नवरात्र का अपना विशेष महत्व है जिसको लेकर भक्तों के द्वारा पूरे उत्साह और नियम पूर्वक 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत विश्वविद्यालय व्यावसायिक संविदा व्याख्याता संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना के अंतिम दिन गुरुवार को व्यावसायिक संविदा व्याख्याताओं ने धरना देकर विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी 4 सूत्री मांग के समर्थन में जमकर नारा लगाया। इस दौरान शिक्षकों ने 7 से 20 वर्ष तक के कार्यरत व्यावसायिक संविदा शिक्षकों की सेवा विस्तार के लिए वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त करने, बिहार सरकार के शिक्षकों की तर्ज पर उन्हें भी नियोजित कर उनकी सेवा स्थायी करने, वेतन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने और 10 माह से बकाया वेतन का अविलंब भुगतान करने की मांग की। इसके अलावा संघ के अध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि व्यावसायिक संविदा व्याख्याता पीजी विभाग के शिक्षक हैं और वे सभी नियमित शिक्षक की तरह ही योगदान देते हैं लेकिन वेतन के रूप में उन्हें महज 25,000 रुपये की राशि दी जाती है जबकि कई माह से उनका वेतन भी बकाया है। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही शिक्षकों ने कहा कि भूखे पेट वो सभी अध्यापन कार्य करते हैं लेकिन बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज कर रही है। आत्मा भागलपुर की ओर से जिला कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला से कृषि प्रदर्शनी बुधवार को सम्पन्न हो गई। इस दौरान कृषि विभाग के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाए गए 23 स्टॉल किसानों और कृषि से जुड़े लोगों की भीड़ जुटी रही जबकि कृषि प्रदर्शनी में भागलपुर वटेर हाउस का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में कुल 456 किसानों ने स्टॉल का निरीक्षण किया जबकि कड़कनाथ मुर्गा, वटेर एवं वर्मी कंपोस्ट के स्टॉल पर लगाई गई प्रदर्शनी लोगों की पसंद बनी रही। इधर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के स्टॉल पर
400 किसानों ने निरीक्षण किया, जहां तालाब निर्माण के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा उद्योग विभाग के स्टॉल पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम योजना के बारे में जानकारी दी गई, जबकि सबौर कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉल पर सोलर कैबिनेट ड्रायर की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो सूर्य ऊर्जा से संचालित होती है और इसका उपयोग बीज को सड़ने से बचाने में किया जाता है। जिले में चाहे वो जैविक खेती हो या यहाँ जो दो GI टैग प्रोडक्ट है आपका जरदालू आम या कतरनी चावल चूड़ा, तो उसको लेकर के काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। और अब एपिडा से कई सारे किसानों का POs का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो हनी है बीरपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मधुमक्खी पालन और मधु का उत्पादन होता है, वहाँ हम लोगों ने न प्रवर्तन योजना से प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया है, तो एपिडा में जो हनी प्रोडक्शन यूनिट है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो बहुत खुशी की बात है कि किसान जो है अपना माल ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर अन्य देशों में भी आसानी से निर्यातक की भूमिका में आकर के बेच सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।